दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गौतमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही पहाड़ से गिरा हुआ और बहुत ही नीचे गुफा के अंदर विराजमान है। और कहा जाता है कि यहाँ पे श्री गौतम ऋषि जी को गौहत्या का पाप लगा था, तो उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या करी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे पूरा यहाँ का नज़र आपको करवाते हैं। है गौतम ऋषि जी ने यहाँ पर गौ हत्या के पाप लगने पर यहाँ पर तपस्या करी थी महादेव जी की, जो कि गौतमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही पहाड़ी का दुर्लभ नज़ारा है यहाँ का, और हम लोग जा रहे हैं नीचे और बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है यहाँ पे आने से। और इस तरफ आप देख सकते हो बंदर किस तरह बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इस तरफ है कुंड और उस तरफ से भी शायद रास्ता है, और इस तरफ पहाड़ देख सकते हो आप। दोस्तों काफी गुफा के अंदर विराजमान है बाबा भोलेनाथ, और इधर से देख सकते हो झरना और बहुत ही ऊंचाई से झरना गिर रहा है। तो हम आ चुके हैं गुफा के जस्ट पास में, यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुफा। आइए फ्रेंड्स आपको मिलाते हैं हम यहाँ के गौतमेश्वर में शिवलिंग है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, और अंदर गौतम ऋषि जी ने जो तपस्या करी थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, उस महान शिवलिंग को प्रकट किया था, वहीं लेके जाने वाले हैं आपको। तो सामने आप देख रहे हो छोटा सा मंदिर, वहीं पे वो शिवलिंग है जो ऋषि गौतम जी ने यहाँ तपस्या करके तब द्वारा प्रकट किया था। तो चलिए दर्शन करते हैं उस महान शिवलिंग। दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये वही प्राचीन शिवलिंग है जो ऋषि गौतम ने यहाँ तपस्या करके अपने तप द्वारा प्रकट किया था भगवान भोलेनाथ को। दोस्तों ये मंदिर करीब 50 फीट गहरी खाई के अंदर गुफा में बना हुआ है, और ये मंदिर प्रतापगढ़ में आता है, और यहाँ का बहुत ही शानदार नज़ारा है। दोस्तों जय श्री शंभू। तो दोस्तों यहाँ का अति प्राचीन और अद्भुत नज़ारा है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से झरना भी गिर रहा है बहुत ऊंचाई से। Thank you.
दोस्तों, ये आप देख सकते हो चारों ओर पहाड़ी से घिरा ये स्थान है और बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है यहाँ का। जय हो शिव शंभू। चारों ओर हरियाली हरियाली है। एक साथ में ऑल माय फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल बोलो, जय श्री बजरंगबली की जय। तो दोस्तों, अति प्राचीन और दुर्लभ दर्शन हमने करवाए, अब आगे की यात्रा तय करेंगे हम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।